ଭାରତରେ ଥିବା 182 ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ସରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସହାୟତାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ରୋନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଟିବି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଅତି କମ୍ ସମୟରେ ବ୍ଲଡ୍ ସାମ୍ପୁଲ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ସମୟରେ ବ୍ଲଡ୍, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆଦି ନିଆଯାଇପାରିବ। କଳାହାଣ୍ଡି କେସିଙ୍ଗା ବିଦ୍ୟାପୀଠ ସ୍କୁଲରୁ ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟରରୁ ଆଜି 15 ଟିବି ସାମ୍ପୁଲ ପଠାଯାଇ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। सर हम देख रहे हैं ये जो ड्रोन है इसका मुख्य काम क्या है ड्रोन का? तो ये जो ड्रोन आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये हेल्थ केयर डिलीवरी ड्रोन है। तो ये ड्रोन यूज़ करके हम बहुत सारे हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स ले जा सकते हैं, जैसा ब्लड हो गया, वैक्सीन हो गया, कोविड वैक्सीन, रूटीन इम्यूनाइजेशन वैक्सीन। तो आज की पायलट तो टीबी सैंपल लेकर जा रहे हैं, आरटीपीसीआर सैंपल लेकर जा सकते हैं, राइट। तो इसका बहुत यूजेस है, डायग्नोस्टिक्स के लिए यूज़ हो सकता है, दवाई डिलीवरी के लिए यूज़ हो सकता है, इमरजेंसी ड्रग्स के लिए यूज़ हो सकता है। क्योंकि इस ड्रोन का स्पीड की वजह से अगर कुछ इमरजेंसी है कई डिस्ट्रिक्ट में, सीएचसी पीएचसी में और गाड़ी बेस्ड में बहुत टाइम लगेगा, दिक्कत लगेगा, ड्रोन से बहुत आसान हो जाएगा। जब अगर इमरजेंसी है, एंटीवेनम चाहिए स्नेक बाइट की वजह से, बहुत जल्दी पहुँच जाएगा। तो इस ड्रोन का लॉजिस्टिक सिस्टम में भारत में अभी बहुत पोटेंशियल है, बहुत स्कोप है। तो आज कितना सैंपल जा रहा है, कितना पेशेंट का? तो आज लगभग 15 पेशेंट का सैंपल जा रहा है यहाँ से, और ये टीबी सैंपल से, और ये भवानीपटना लेकर जाएंगे वहाँ मेन लैब में टेस्ट करने के लिए। थैंक यू। ठीक है, मेरा नाम रूपेश सिंह है और मैं पिरामल स्वास्थ्य में ऑपरेशन हेड हूँ। और पिरामल स्वास्थ्य डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में गवर्नमेंट के साथ में मिल के हेल्थ सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम और वाटर पे काम करता है। तो हम लोग हेल्थ सिस्टम पे अभी काम कर रहे हैं। जो अभी हम यहाँ पे इसलिए आए हैं कि 182 जिले है, जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है इंडिया के, उस पर हम लोग एक्टिव केस फाइंडिंग प्रोग्राम गवर्नमेंट के साथ में मिलके कर रहे हैं। वहाँ पे हम लोग जो टीबी के पेशेंट्स हैं गांव-गांव में, जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, जो हार्ट टूरिस्ट एरिया में ट्राइबल पॉपुलेशन है, जहाँ पे लोग नहीं पहुँच पाते हैं, वहाँ पे हमारे लोग गवर्नमेंट के जो वर्कर है, आशा वर्कर है, एनएम वर्कर्स हैं, उनके साथ में मिलके लोगों को एक्सेस कर रहे हैं, उनको चिन्हित कर रहे हैं। जो भी सिम्टमिक पेशेंट्स हैं उनके सैंपल कलेक्ट करके जो भी नियर बाई पीएससी सीएससी या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे सैंपल ले जाके उनका टेस्टिंग करवा रहे हैं। टेस्टिंग करा के जो भी पॉजिटिव केसेस निकल रहे हैं, टीबी के पेशेंट्स निकल रहे हैं, उनको जो गवर्नमेंट का निश्चय पोर्टल है उसमें एंट्री करवाते हैं। एंट्री करवा के उनको मेडिसिन अवेलेबल कराते हैं, उनको फॉलोअप करते हैं। तो जो गवर्नमेंट का लक्ष्य है कि 2025 तक टीबी को इंडिया से एलिमिनेट करना है, तो उस दिशा में हम लोग गवर्नमेंट के सहयोग से कार्यरत है। सर, उड़ीसा में ACF प्रोग्राम पिछले हम 2 महीने से कर रहे हैं प्रशासन के साथ और USAID के साथ में मिलके। जो ये ड्रोन का प्रोजेक्ट है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो भी सर्विसेज है उनको कैसे टेक्नोलॉजी के माध्यम से इम्प्रूव किया जाए, जो भी सप्लाई चेन है उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए। तो अभी जो हमने पायलट के रूप में ये करने जा रहे हैं कि जो भी सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, तो जहाँ पे टेस्टिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, जहाँ पे मशीन्स अवेलेबल नहीं है, बट वहाँ पे सैंपल कलेक्ट करके हम ड्रोन के माध्यम से जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है या जहाँ पे जो CSC है, अगर वहाँ पे टेस्टिंग फैसिलिटी अवेलेबल है वहाँ पे हम सैंपल ले जाके उसका टेस्टिंग टाइमली करा पाए, और केस जो आइडेंटिफाइड हो रहे हैं, जो पॉजिटिव निकल के आ रहे हैं, उन तक ड्रग्स पहुँचा पाए, उनको मेडिसिन पहुँचा पाए, और उनको ट्रीटमेंट स्टार्ट करके उनको फॉलोअप करके टीबी को एलिमिनेट कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सकल खबर।